कितने साल पुराना ढाबा आप? 1980 में आए थे यहाँ पे। पंजाब का ये पहला ढाबा है? हाँ जी। भाई आज आपको दिखाने लेकर आए हूँ पंजाब का सबसे पहला ढाबा। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पाजी, की हाल चाल है जी? वधिया सर। सर थैंक यू, सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी दुकान पे आए सर। अरे वाह, तो ये देखो जी सामने मैं देख रहा हूँ आते ना ढाबे के ऊपर जो खुशबू ने मुझे एकदम से अपने पास खींच लिया है वो है जी इस दाल की खुशबू। क्या कमाल की दाल लगाई जा रही है और कोयले की भट्टी पाजी। हाँ जी, कोयले असी मतलब 40 साल तो कोयले की भट्टी यूज कर रहे हैं। अरे वाह, 40 सालों से भाई ढाबा के ऊपर कोयले की भट्टी चलाई जा रही है और कोयले के ऊपर ही सारी सब्जियां बनती है भाई। हाँ जी, कोयले के ऊपर और पित्तल के बर्तनों में बनती है। अरे वाह, पित्तल के बर्तन है भाई सामने और कोयले के ऊपर पित्तल के बर्तन में बनाई गई सब्जियां। वाह यार, दोनों ही चीजें भाजी कमाल, मुंह में पानी आ गया सुनते ही। सर ढाबे के बारे में बताइए, कितने साल पुराना ढाबा आपका? सर हम 1980 में आए थे यहाँ पे। 1980 में? हाँ जी, 1980 में हिमाचल से इधर मूव हुए थे। अरे वाह। हाँ जी, और भाजी हिमाचल का नाम लिया आपने, मैंने अभी वीडियो में बताया कि पंजाब का ये पहला ढाबा है। हाँ जी, अगर हिमाचल से आते तो फर्स्ट ढाबा अपना ही आता सर। हाँ जी हाँ जी, और सबसे लास्ट अगर पंजाब से हिमाचल जाए। हाँ जी हाँ जी। तो ये देखो यार, आपको एक बार ना सारी सब्जियां दिखाता हूँ इस ढाबे की। ये दाल सिंपल होती है। अच्छा, ये सिंपल दाल बिना तड़के की? हाँ जी, देग वाली दाल होती है। तो भाई ये सिंपल दाल है बिना तड़के के और ये देग के अंदर बनाई जाती है भाई। हाँ जी, देग के अंदर बनाई जाती है। ये आगे भाई आलू मटर और इतने बढ़िया रोगन वाले आलू मटर, यार कमाल। पर ये रोगन से पता लगता है फिर पंजाब आ गया। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है यार। नेक्स्ट देखते हैं भाई। सर ये राजमा होते हैं सर। ये आगे जी राजमा, और ये सर पंजाब चित्रे राजमा। हाँ जी हाँ, चित्रे। ये जी चित्रे राजमा, इसमें बढ़िया प्याज के लच्छे डाले हुए हैं। ये दालों का राजा राजमा। दालों का राजा राजमा, क्या बात है यार। पर ये आपका नाम क्या, आपने नाम नहीं बताया? सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार है सर। अच्छा राजेश भैया, आपको ढाबे पे बैठते कितनी देर हो गई है? सर मेरी वैसे 32 साल उम्र है और मेरे को 20 साल हो गए हैं दुकान पे। मतलब 12 साल की छोटी उम्र से आप ढाबा चला रहे हो? हाँ जी हाँ। सर ये आलू गोभी है। ये देखो भाई सूखी सब्जी, आलू और गोभी। ये सर कहीं का राजा रानी नहीं है? ये खेतों का राजा है जी। क्या बात है, ये खेतों का राजा। और नेक्स्ट सर इसमें क्या है? सर ये बैंगन का भरता है। ये देखिए भाई बैंगन का भरता है एकदम बढ़िया। और ये सर तंदूर पे बनाते हैं गैस के ऊपर? नहीं नहीं सर, तंदूर में रोस्ट होता है सर। ये तंदूर में रोस्ट किया जाता है, बहुत बढ़िया। और ये पाजी तड़का लगी दाल है? दाल तड़का। ये देखो भाई दाल तड़का, मोटे मोटे टमाटर डाले हुए, प्याज है, प्योर देसी है ना? हाँ जी हाँ जी, प्योर देसी। जैसे वो पाजी वो फैंसी ढाबे पे होता है क्रीम व्रीम मार के, वो हिसाब से सर कोई क्रीम नहीं डालते हम, सिर्फ प्याज अदरक लहसुन का तड़का होता है। और गाढ़े करने के लिए कोई कॉर्नफ्लोर अरारोट कुछ नहीं? सर कुछ नहीं डालते सर, बिल्कुल नेचुरल है भाई। ये देखो जो लाइव घर में बनेगा ना वैसा स्वाद है। गाढ़े करने के लिए कलर डाल के कोई वैसा फूड नहीं बनाया जाता। हाँ जी, हाँ जी। ना कलर ना कुछ है ना। हमारी दुकान के अंदर कोई मसाला नहीं मिलेगा जी। अच्छा हाँ जी, सारे मतलब हम नॉर्मल नमक मिर्च के नमक मिर्च डालते हैं। ओके, हाँ जी, कुछ लगा के दिखाइए चूल्हे के ऊपर बढ़िया सा। हाँ जी हाँ जी सर, आ जाइए। तो राजेश भैया क्या बना के दिखा रहे हो आप? सर आपको पनीर भुर्जी बना के दिखाएंगे सर, कोयले की आंच पे। कोयले की आंच पे प्रकाश ढाबा की स्पेशल पनीर भुर्जी और एकदम स्लो कुक किया जाता है। ये क्या आ रहा सर? सर ये जीरा है। ये आ गया जी जीरा। और साथ में सर ये क्या डाला है, रिफाइंड या घी? सर हम घी यूज करते हैं, घी यूज होता है। ये देखो जी ये प्याज आ गए बीच में, जीरे के अंदर घी में, और साथ में आ गई थोड़ी सी हल्दी। पर हिमाचल वाले भी फिर बहुत आते होंगे आपके पास? हाँ जी, जब हम हिमाचल से कोई भी आता है, हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं। अच्छा, 40 साल से जो आते हैं होशियारपुर आते हैं, कोई रेगुलर यही खा के जाते हैं हमारे इधर ही। क्या बात है जी, अगर हिमाचल वाले भी पंजाब का खाना खाना चाहते हैं ना तो इसी ढाबे पे आते हैं। ये देखो प्याज के अंदर हल्दी डाल के एकदम बढ़िया कलर ला दिया उसको, फ्रेश टमाटर कट करके। पहले नहीं कटिंग करके रखते भाजी? नहीं नहीं सर, लाइव ही कटिंग, ताज़ा लाइव है। देखो सब्जी भी लाइव और सब्जी की कटिंग भी लाइव। सर जो पनीर होता है पनीर भी हम अपना ही तैयार करते हैं। ओके, तो भाई अपना ही पनीर है यहाँ पे बनाया जाता है। ये देखो एकदम बढ़िया क्रश करके पनीर। वाह राजेश भी, एक बात पूछनी चाहूंगा, जैसे भी जितने ढाबे हैं हाँ जी हाँ जी सारे भट्टियों में मूव कर गए क्योंकि उस पर काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, आप अभी भी कोयला की यूज कर रहे हैं? भट्टी पे टेस्ट कुछ और होता है, कोयले की आंच पे टेस्ट कुछ और होता है। तो भाई इस पे ऑर्डर लगने में टाइम जरूर लगता है पर स्लो कुकिंग के साथ जो मजा आता है ना खाने का वो बहुत लाजवाब है। राजेश भी एक और बात सुनिए, मैंने आपको अनलिमिटेड थाली बेचते हो 100 रुपए के अंदर? हाँ जी हाँ जी, 100 रुपए में अनलिमिटेड थाली जी। 100 रुपए के अंदर भाजी? हाँ जी हाँ जी। पानी मतलब पंजाब का पहला ढाबा के साथ सबसे सस्ता ढाबा भी है? हाँ जी हाँ जी। एक बार लगा के दिखाइए भाजी वो भी थाली। हाँ जी लॉन्च। तो भाई ये पनीर भुर्जी लग के तैयार है, फटाफट यहाँ की स्पेशल अनलिमिटेड थाली दिखाते हैं। तो ये पहली सब्जी लगने जा रही है जिसमें थाली की? आप मटर होंगे जी, मटर की ग्रेवी। अच्छा, तो ये पनीर पाईदा आप? भाई मटर पनीर बनने जा रहा है, देखो आप। तो राजेश भैया पहली सब्जी थाली की तैयार है? हाँ जी हाँ जी, मटर पनीर है जी। ये आ गया जी मटर पनीर, एकदम बढ़िया।
रोगन वाला मटर पनीर भाई एकदम कमाल का। सर ये हमारी दाल स्पेशल है जी। भाई अब ये नेक्स्ट सब्जी तैयार हो रही है, दाल फ्राई। प्रॉपर गर्म करके सब्जियां डाली जाएंगी थाली के अंदर। थाली के अंदर आ गई ढाबा दाल फ्राई, एकदम बढ़िया। और बिना मक्खन बिना क्रीम है ना भाजी? हाँ जी, बिना मक्खन बिना क्रीम। अब ये थर्ड सब्जी लगने जा रही है जी, और ये आया बैंगन का भरता हुआ। ये देखो जी एकदम बढ़िया बैंगन का भरता लग के तैयार। भाई ये आ गई तंदूरी रोटी दो पीस। और भाजी कितने रुपए की थाली है ये? 150 रुपए की, 150 की थाली है। ठीक है। हाँ जी, इसमें रोटी अनलिमिटेड, जितनी मर्जी भाजी। हाँ जी, जितनी मर्जी। 10 रोटी खा जाए भाजी? 10 रोटी खा जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, बढ़िया जेन्युइन प्राइसेस है। फटाफट खाते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। तो भाई 150 रुपए की अनलिमिटेड पंजाबी थाली लग के तैयार है। इसके अंदर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ क्या क्या आएगा। ये है जी दाल, ढाबा दाल, बिना रोगन बिना मक्खन और बिना क्रीम। देखो ऐसी भी एक जमाना होता था जब इन सब चीज़ों के अलावा भी सब्जियाँ बनाई जाती थी ढाबों के ऊपर। अब ये देखो, ये जी मटर पनीर, पनीर बाद में ऐड किया गया और मटर को बढ़िया तड़का लगाया गया। और ये देखो जी बैंगन का भरता, साथ में मिलेगा जी अनलिमिटेड रायता। 150 रुपये की प्लेट है, अगर रायता स्किप कर दो, भरता स्किप कर दो, पनीर कोई भी ले लो दाल के साथ, दाल की जगह राजमा ले लो या कुछ और ले लो, दो सब्जी के साथ अनलिमिटेड रोटी मिल जाएगी सिर्फ 100 रुपये के अंदर। एकदम शाइनी रोटी है। स्वाद सबसे पहले देखते हैं दाल का। ये देखो जी बिना क्रीम के दाल, या दाल मखनी टाइप्स दाल नहीं है, बेसिक दाल है, जैसे सिंपल ढाबे में मिलती है ना बिना तड़के वाली, बिना तड़के वाली दाल है। उसको जो तड़का मारा गया ना वो थोड़े से प्याज और टमाटर के साथ है, कोई मसाले नहीं है, सिर्फ नमक का और लाल मिर्च का फ्लेवर आ रहा है मेरे को। तो बिल्कुल बेसिक दाल है, जो बिल्कुल आप समझ लो यार एक तो बोलने में घर वाली, ये एग्जैक्ट घर वाली दाल है। ये है जी यहाँ का मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर नहीं होता इस ढाबे में, मटर पनीर पालक पनीर मिलेगा आपको। ये चीज़ ढाबा स्टाइल है, पनीर की क्वालिटी अच्छी है। ये देखो बड़े बड़े पीसेस डाले गए टमाटर के, उसका अच्छा फ्लेवर है, गुड चीज़ है। और नेक्स्ट आते हैं जी भी भरते के ऊपर। ये जी यहाँ का बैंगन का भरता, अगर मैं थाली में बोलूँ सबसे किंग मुझे क्या लगा वो बैंगन का भरता है। ज़्यादा तेज मसाले नहीं है, एकदम बैलेंस मसाले हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो मसाले मैं देख रहा हूँ ना, जो मसालों का स्वाद है वो एकदम लोअर साइड पे है, बिल्कुल बैलेंस है। अगर कोई पेशेंट भी है तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक और मसाले बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़्यादा तेज़ नहीं ज़्यादा कम नहीं। जो तेज़ खाने वाला वो ऐड कर सकता है। और लोकेशन की बात करूँ, होशियारपुर शहर के अंदर प्रकाश ढाबा। सीटिंग जो है थोड़ी ओल्ड स्कूल है, फैमिली के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आओ। अगर अकेले आना चाहते हो तो यहाँ पे आके खा सकते हो। दिन में लंच भी मिलता है, रात को डिनर भी मिलता है। और डिनर में भाजी नॉन वेज भी होता है ना, डिनर के अंदर आपको यहाँ पे नॉन वेज भी मिल जाएगा, दिन में वेज ही रहता है जी। बाकी ये थाली 150 रुपये के अंदर अनलिमिटेड, आपको कैसी लगी? सेटिंग दोबारा बता रहा हूँ, इनको ना फैमिली के साथ सूटेबल नहीं है जगह, अकेले आओ स्वाद बढ़िया मिलेगा, नहीं तो पैक करा के जाओ ना मजे करो।